हम निमेटोड्स में काम कर रहे हैं, तो निमेटोड्स जो है एक्चुअली सॉइल में मिलते हैं, जो जिन पे हम काम करते हैं वो एक्चुअली सॉइल में मिलते हैं। हम जितनी भी खेती बाड़ी है, हम खेती बाड़ी मतलब खेतों में जाते हैं, वहाँ से फिर मिट्टी लाते हैं, उन्हीं मिट्टी से फिर हम निमेटोड को निकालते हैं। हम पहले मिट्टी वहाँ से लेके आते हैं, उस मिट्टी को फिर हम यहाँ लैब में लाते हैं, और हम खाली उस मिट्टी को लाते हैं जिस मिट्टी में मॉइस्चर मिलता है, जो मिट्टी सूखी हुई है उस मिट्टी में निमेटोड नहीं पाए जाते। तो हम उस मिट्टी को लैब में लाते हैं, फिर उसको थोड़ा फाइन करते हैं, फाइन करके हम फिर उस मिट्टी को उसमें से आईजी मतलब निमेटोड जो है वो कैसे निकालेंगे, हम इंसेक्ट लाते हैं। तो इन एक्चुअली ये निमेटोड जो है इनका एक यूनिवर्सल होस्ट है, मतलब जो निमेटोड जो है हम इनको सॉइल से कैसे निकालते हैं। तो मैंने कहा कि एक्चुअली ये जो निमेटोड हैं खाली इंसेक्ट्स को अटैक करते हैं, और इनको प्रैक्टिकली साइंटिफिकली प्रूव किया गया कि ये बाकी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लिहाजा अगर हम इनको इस्तेमाल करेंगे फसलों में जो कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं, अगर उनके अगर हम पेस्टिसाइड्स को छोड़ के इनका इस्तेमाल करेंगे, तो हम एनवायरमेंट को बचा सकते हैं और अपने आप को भी बचा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम 100 ग्राम डीडीटी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, अगर हम 100 ग्राम डीडीटी कहीं भी छोड़ देते हैं, उस 100 साल के बाद भी 5 ग्राम है, और इसकी लार्वल स्टेजेस हैं, इन्हीं लार्वी को हम बीकर के बॉटम में डालते हैं 5-6, और उस बीकर को ऊपर से मिट्टी से भर देते हैं। फिर ये निमेटोड ये जो एक लार्वी हैं, जब ये लार्वी ऊपर आते हैं, अगर मिट्टी में वो निमेटोड्स हैं तो वो उनकी बॉडी में अंदर जाते हैं। निमेटोड जो हैं वो इनके बॉडी के अंदर जाते हैं। इन निमेटोड्स के अंदर खुद क्या है, उनमें खुद बैक्टीरिया मिलते हैं, निमेटोड्स के एलिमेंट हैं वहाँ पे, इनका बहुत काम है, और उन्होंने लगभग लगभग 20% पेस्टिसाइड्स को मतलब छोड़ दिया है। अब वो 80% मेनली इन पे दावेदार है, और 20% वो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। एक टाइम पहुंचेगा वो फुल्ली रिप्लेस कर सकते हैं इनको पेस्टिसाइड्स को विद दीज निमेटोड्स। तो हम इनके आपको निमेटोड्स दिखाएंगे कि ये किस तरह दिखते हैं, और हम सॉइल से भी कैसे किन कीड़ों का इस्तेमाल करते हैं। जो ये है आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, इसे कॉमनली हम इसको कहते हैं ग्रेटर वैक्स मॉथ। ये जो कीड़ा है ये शहद पे अटैक करता है, क्योंकि हमारे जो शहद इंडस्ट्री है उसका, अगर वो लोग इसको देखेंगे तो हमें बंद कर देंगे, क्योंकि शहद जो शहद है उसका बहुत बहुत खतरनाक कीड़ा है, उसका बहुत नुकसान करता है। तो लेकिन ये जो है इनका यूनिवर्सल होस्ट है, हर तरह का निमेटोड जो है वो उसको अटैक करता है, और उसमें प्रोपगेट मतलब अपनी पॉपुलेशन बढ़ा देता है। तो ये आप देख सकते हैं इनकी स्टेज। आप पूछ भी सकते हैं, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। देखो आओ मन भाई में उसमें भी है, उसको भी देखो। मतलब हम एक सेल से डीएनए कैसे निकालते हैं वो लंबा प्रोसेस है, लेकिन हम आप लोगों को देखेंगे जब सेल से डीएनए निकलता है तो हम उस डीएनए को कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। तो आप लोगों को हम एक प्रोसेस है उसे कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि अब जब हमने सेल से डीएनए निकाला, डीएनए कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, जो भी चाहे आपकी बॉडी की सेल है, चाहे प्लांट सेल है, चाहे निमेटोड है, कोई भी है, उस तो हम इसका इस्तेमाल करके उसको लाइज कर सकते हैं। हम इसको मतलब जो भी टिश्यू है उस टिश्यू में डालेंगे, तो किसी भी बीकर में लेंगे तो उसको एक क्रैश करेगा इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस। जब वो छोटे छोटे पीस में ब्रेक हो जाता है, तो हमारे पास दो तरह के मेथड है, हम मैन्युअली भी कर सकते हैं, हमारे पास किट आती है डीएनए एक्सट्रैक्शन किट। इस किट का हम इस्तेमाल करते हैं, इस पर स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है पहले क्या डालना है, फिर दूसरा सोल्यूशन, पहले सब सोल्यूशन डालते हैं। पहला एक सोल्यूशन होता है
दैट्स कॉल्ड एज टिश्यू लाइसिस बफर. एक बफर होती है, बफर सुना होगा आप लोगों के नाम, पर हिंदी में उसे क्या कहते हैं. एक होता है जब बेस और एसिड जो अपना पीएच रेजिस्ट करता है, एक सॉल्यूशन जिसमें अगर हम एसिड डालेंगे वो अपनी पीएच को बरकरार रखेगा, चाहे बेस डालेंगे तब भी अपनी पीएच को बरकरार रखेगा, उसे हम कहते हैं बफर. एक सॉल्यूशन जो अपनी पीएच को बरकरार रखता है, तो इसमें हम सबसे पहला सॉल्यूशन जो डालते हैं एक बफर डालते हैं, टिश्यू लाइसिस बफर. टिश्यू का मतलब है ए ग्रुप ऑफ सेल्स, लाइसिस मतलब है ब्रेक, वो उन सेल्स को ब्रेक करता है. क्योंकि मैंने कहा सेल जो है, सेल के बाहर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर अंदर है एंडो, फिर साइटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, बाकी चीज़ें हैं, उनको हमें निकालना है, तब जाके हमें न्यूक्लियस मिलेगा, तब जाके हम फिर न्यूक्लियस से डीएनए निकाल सकते हैं. समझ आ रहा है ना. पहले हमने सेल को लाइस किया, फिर हमने सबसे पहला सॉल्यूशन डाला इसमें टिश्यू लाइसिस बफर. टिश्यू लाइसिस बफर का काम क्या है, वो टिश्यू को लाइस करेगा, जो क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स है वो उसको लाइस करेगा. फिर इसके बाद दूसरा बफर डालते हैं, वो सेल के बाहर साइटोप्लाज्म जो बाकी है उसको मतलब ताकि वो न्यूक्लियस को एक्सपोज करे. इसमें हम प्रोटीनेज के डालते हैं, एक एंजाइम है. एंजाइम जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे स्टोमक में जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा. जब स्टोमक में जाता है तो यहाँ पे एंजाइम्स उस पर एक्ट करते हैं, है ना. वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करते हैं, वो प्रोटीन को ब्रेक करते हैं. इस तरह हम एक प्रोटीन डालते हैं, प्रोटीनेज के. प्रोटीनेज के का काम क्या है, जो भी सेल का प्रोटीन पार्ट जो है उसको डाइजेस्ट करेगा, क्योंकि सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाकी ऑर्गेनेल्स जो हैं वो बने हुए हैं किसके, प्रोटीन के, उनको ब्रेक करेगा. फिर लास्ट में हमारा निकलेगा न्यूक्लियस, तो फिर हम न्यूक्लियस से डीएनए निकाल सकते हैं. उसके बाद हम जब हमने न्यूक्लियस से डीएनए निकाला, उस डीएनए को हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि डीएनए इसमें है या नहीं है, उसके लिए एक टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. आप खुद रन करेंगे, एक एक करके हम दिखाएंगे. इसको थोड़ा पीछे करना. हमने जेल बनाई है. ये जेल कैसे बनाते हैं, हमारे पास एगारोस है. एगारोस का नाम सुना तो पढ़ा होगा कभी, 7th 8th 9th में एगारोस. ये मतलब जो अलगी है ना, अलगी का नाम सुना होगा, अलगी से हम बना देते हैं. उधर सबसे एंड में है ना वो एक, ये भी एक केमिकल है, उसी केमिकल को हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में, या हमारे पास एक सोल्यूशन होता है टीई बफर. वो बफर क्योंकि बफर हम इसलिए लेते हैं ताकि पीएच चेंज ना हो, तो हम इसको बफर में डिसॉल्व करते हैं, तो तब जाके इसको हम बॉयल करते हैं, तब जाके ये हमारे पास ये जल बनती है. तो हम इसमें एक कॉम डालते हैं, क्योंकि इन्हीं कॉम में हम डीएनए डालेंगे. ये हमने ये जैसे कहते हैं कॉम, मैंने कॉम निकाला, तो मैंने इसके बाहर जो टेप लगाया ताकि ये जल, क्योंकि उस टाइम ये लिक्विड फॉर्म में थी, अब ये सॉलिडिफाई हुई. नहीं, इसमें हाथ मत लगाना, क्योंकि इसमें ETBR लगा हुआ है. ETBR जो है केमिकल है, पिछली बार MBBS एग्ज़ाम में आया भी था कि ETBR क्यों डालते हैं हम. ETBR जो है ये टॉक्सिक है, कार्सिनोजेनिक है, वो कैंसर काजिंग, वो कैंसर करता है, इसलिए हमें इसको, इसलिए मैंने ग्लोव्स पहने, वरना ग्लोव्स पहने का कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि जो DNA है ना वो बाइंड करता है विद द ETBR, तो ETBR से बाइंड करके वो फिर हमें दिखता है. आप लोग एक एक करके इसमें लोड करो, मैं पहला एक मैं करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसे करते हैं. मैं वो सॉल्यूशन देना TAE 1%. मैं तब तक डालना है जब तक कि जो कॉम्स हैं ये टूट जाए. अच्छा, मैं वो देने दे रहे सैंपल. तो हमें अब देखना है कि इसमें डीएनए आया है या नहीं आया है, वो चीज हम. सुमन वहां पे है ना वो डीएनए क्लोडिक डाई.
इस पर लिखा भी है डीएनए लोडिंग डाई। हम इसलिए डालते हैं ताकि हमें, क्योंकि डीएनए जो है ये ट्रांसपेरेंट है, और जब इसमें डालोगे आपको दिखेगा भी नहीं इसमें आया है नहीं आया, देखने के लिए हम पहले क्या डाई का यूज़ करते हैं। हम एक माइक्रोलीटर डाई डालेंगे हर किसी में। दूसरी पेपर कहाँ गई? ओके सर, बस सर मैं इतना करता हूँ कि सर आपको बुला रहे हैं, एक करेंगे कम से कम, एक दो बच्चे। मैं चार माइक्रोलीटर डी ले लिए, टेप कैसे उठ सकते हैं आपके पास नाखून थोड़े। एक का करते हैं, बस आपको इसमें लोड करना आना चाहिए, वो चीज़ सीखनी है। देखो मैंने इसका एक लेवल बढ़ाया था ना, तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा इसको भी सेट करना है, क्योंकि मेरे पहले मैंने एक माइक्रोलीटर वो लिया, फिर चार ये लिए, कितने हो गए? पांच, इसलिए मुझे पांच पे सेट करना था। ये जल्द ये आप चीज़ को आपको देखनी है, ये कहाँ दिख रहा है, ये चीज़ें आपको खाली उसी काम में जाना चाहिए। चलो अब आप ट्राई करो। चलो मैम आप ले जाओ। अब इसका तो हो गया, दूसरा सैंपल ले लेना, यहाँ से कोई सा भी उठा लो, आपको तो बस सीखना ही है। देखना कहीं इसमें आइस तो ना बनाए, तो इसमें आइस है, दूसरा ले लो। तब तक एक रख देना हाथ में, बाकी डरना नहीं है, हम भी पहले ऐसे ही थे। इस प्रकार की वीडियो या साइंटिफिक एक्टिविटीज से अपडेट रहने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।